चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक स्थान विशेष के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है किबीथू। ये चर्चा में क्यों बना हुआ है और इसका क्या महत्व है, इन सभी पक्षों को हम आज देखेंगे। हाल ही में किबीथू सैन्य गैरिसन का नाम बदलकर भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है। जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के लगभग 9 महीने बाद यह किया गया है। रावत ने एक युवा कर्नल के रूप में 1999-2000 तक किबीथू में अपनी बटालियन 5/11 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली थी और इस क्षेत्र में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सैन्य शिविर और 22 किलोमीटर किबीथू वालोंग रोड का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत रोड कर दिया गया है। रावत के आदमकद भित्ति चित्र के अनावरण के अलावा पारंपरिक शैली में निर्मित गैरिसन के द्वार का भी यहां पर उद्घाटन किया गया है। हालांकि जनरल विपिन रावत के बारे में हम सभी जानते हैं, फिर भी इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाले पहले सेनाध्यक्ष जनरल रावत थे। वह 27वें सेनाध्यक्ष थे जिन्होंने 17 दिसंबर 2016 को जनरल दलवीर सिंह सुहाग से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। देश के रक्षा ढांचे को मजबूत करने में जनरल रावत का योगदान अद्वितीय है। उनकी दूरदर्शिता ने बुनियादी ढांचे के विकास को लागू करने और क्षेत्र में सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई थी। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में विपिन रावत की मृत्यु हो गई थी। वह अपनी पत्नी मधुलिका और 12 सशस्त्र बलों के जवानों के साथ थे। आईएएफ हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का मुख्य कारण खराब मौसम था, जिसके कारण नियंत्रित उड़ान इनटू टेरेन नामक घटना हुई। रावत को इस साल की शुरुआत में मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब हम देखते हैं कि किबीथू कहाँ है। चीनी पीपुल्स रिबलेशन आर्मी की रीमा पोस्ट का स्थान भारतीय चौकी के ठीक सामने है। संवेदनशील क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के बाद सैन्य चौकी निगरानी करती है। किबीथू LAC के पास स्थित है और भारत की सबसे पूर्वी सैन्य चौकी है। यह लोहित घाटी के पहाड़ी और कठिन इलाकों में बसा हुआ है। यह छोटा गांव मेयर और जरकिन जनजातियों द्वारा बसाया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो मुख्य जनजातियाँ पाई जाती हैं वो हैं मेयर और जरकिन जनजातियाँ। किबीथू का क्या महत्व है? इसे गैरिसन भी कहा जाता है। गैरिसन रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान किबीथू ने चीनी आक्रमण के शुरुआती हमले का सामना किया था। इस पर पहली बार दो असम राइफल्स ने दिसंबर 1950 में एक पलटन के साथ कब्जा किया था। 1959 में एक अतिरिक्त प्लाटून के साथ पोस्ट को और मजबूत किया गया था। 1964 में युद्ध की समाप्ति पर दो असम राइफल द्वारा किबीथू पर फिर से कब्जा कर लिया गया था। 1985 में 6 राजपूतों ने इसकी रक्षा की थी। जनरल रावत ने अपने कार्यकाल के दौरान गैरिसन को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत किया और स्थानीय लोगों के साथ नागरिक सैन्य संबंधों में तालमेल बिठाया और सीमा कार्मिक बैठक तंत्र को एक औपचारिक रूप भी प्रदान किया। इसके साथ ही इस टॉपिक पर हमने बात कर ली है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।